नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कुछ दिनों से उड़ीसा में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। 7 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड भोर के समय आठगढ़ की तरफ महानदी में घुसा था। भुवनेश्वर महानदी के तेज बहाव में एक हाथी फंस गया है। शुक्रवार सुबह आठगढ़ के पास महानदी में यह दृश्य देखने को मिला है। सुबह से ही खबर लिखे जाने तक महानदी में वन विभाग, दमकल विभाग एवं पुलिस विभाग संयुक्त ऑपरेशन गजराज जारी है, मगर कड़ी मशक्कत के बावजूद गजराज को बाहर नहीं निकाला जा सका है। पानी के तेज बहाव के बीच मुंडली बैरेज के पास गजराज फंसे हुए हैं। गजराज को महानदी से बाहर निकालने के लिए वन विभाग के 25 कर्मचारी, आठगढ़ पुलिस की एक प्लाटून, दमकल विभाग के 22 कर्मचारी लगे हुए हैं। पानी के बहाव एवं लोगों के ब्रिज के ऊपर जमी भीड़ के चलते हाथी को बाहर निकालने में समस्या आ रही है। हालांकि इस बीच पानी में फंसे अन्य दो हाथी निकलकर समीप के जंगल में चले गए हैं। महानदी में फंसे गजराज को बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञ टीम भी पहुंची है। महानदी में गई ओड्राफ टीम की रबर बोट पलट जाने से एक बड़ा हादसा। महानदी में फंसे गजराज को बचाने गई ओड्राफ टीम की बोट पलटी, 6 को बचाया गया, 2 की हालत गंभीर है और 1 लापता। इसी क्रम में सूचना के मुताबिक 17 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड भोर के समय आठगढ़ की तरफ महानदी में घुसे थे। यह झुंड बाकी होते हुए चंदका जंगल की तरफ जाने की खबर है। हालांकि महानदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण हाथियों के इस झुंड में से एक हाथी इसमें फंस गया। यह हाथी मुंडली ब्रिज के पास फंसा हुआ है, जबकि अन्य 7 हाथी किसी तरह से आठगढ़ रेंज नुआशासन गांव की तरफ पहुंच गए हैं। इनमें से 2 हाथी नदी पार करने के प्रयास में फंस जाने की बात स्थानीय लोगों ने कही है। मुंडली हाथी के पास फंसे हाथी को बाहर निकालने के लिए दमकल विभाग एवं वन विभाग के कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं। मौके पर आठगढ़ रेंजर के 7 वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। नदी में से पानी का बहाव तेज होने से हाथी को सुरक्षित निकालना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। आठगढ़ रेंजर ने कहा है कि तेज बहाव के कारण हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है। हमारी टीम इस कार्य में लगी हुई है, जल्द ही हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।